नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको ब्रेकआउट देने जा रहा है, और ब्रेकआउट अगर देता है तो यहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो अब आपको यहां पर कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। अभी वीडियो आपको थोड़ा डिले मिल रहा था, जबकि आपकी वीडियो जो अब कंटिन्यू मिलने वाला है यहां पर इस चैनल पे। तो ये हमारा जो स्टॉक्स है वो है एल्काइन एमिन्स। दोस्तों यहां पर हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ टेक्निकली ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने वाला है, और ये ब्रेकआउट जो है काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, और यहाँ से जाता है तो यहाँ से जो आपको ऊपर प्रॉफिट मिलेगा वो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर देने वाला है, तो और यहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिल सकता है इसमें, तो इसका यहाँ से देख लीजिए, इसका जो बेस यहाँ से बन रहा था वो था 5680 रुपये, तो यहाँ 5680 रुपीज़, तो यहाँ से यहाँ तक का 600 का डिस्टेंस है। तो कम से कम यहाँ से आपको अगर ब्रेकआउट ये मिलता है तो 6500 पहला टारगेट होगा, दूसरा 7000 होगा। तो समझ जाइए यहाँ से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकता है अगर ये स्टॉक कल ब्रेकआउट देता है तो। तो दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट है, तो डेली टाइम फ्रेम पर जो ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये ब्रेकआउट यहाँ से होने वाला है, और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ट्रेंड लाइन अनुसार भी आप टारगेट को ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको यहाँ पर आप मिला दीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करता है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहां से देखिए, ये भी आता है तो 6700 के आसपास आता है, मतलब 6700 के आसपास। तो पहला टारगेट हमारा 6500 का होगा, दूसरा 7000 का। तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है अगर ये ब्रेकआउट देता है कल। तो यहां पर आपको 15 मिनट का चार्ट या आवरली चार्ट लगा लेना है। 15 मिनट का चार्ट ज्यादा बेहतरीन होगा। आप 15 मिनट के चार्ट पर देखिए, यहां पर आपको काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो 15 मिनट के चार्ट पे कल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा था 15 मिनट चार्ट पे, इससे ये यहां पर ब्रेकआउट दे चुका है। तो यह देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनाया था, इसको यहां पर ब्रेक कर चुका है, और इसके ऊपर निकलता है तो आपको 6390, तो इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। बस वहाँ पर आपको देखना है कि ये 5-10 मिनट वहाँ पर सस्टेन करे, 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो वहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ से अच्छा इस ट्रेंड लाइन तक आप टारगेट रख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा टारगेट है। और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट इसके नीचे रखना है, ये जो स्विंग लो है, तो मतलब ये जो नीचे का यहाँ पर करेक्शन कहिए, यहाँ से ये स्टॉक बुलिश है, यहाँ पर जो करेक्शन था इस करेक्शन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि है 6160 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो आप क्वांटिटी ऐड करते जाइए, और जैसे मतलब जैसे ट्रेंड आपके फेवर में जाता है तो उसमें क्वांटिटी को ऐड करते चलना है। पहले थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ आप बनाइएगा, जैसे यहां से ब्रेकआउट दे देता है और यहां से ऊपर निकलता है तो अपना स्टॉप लॉस यहां पर ले आइएगा। तो इस तरह से यह स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, तो जो भी लोग इन्वेस्ट किए हैं या जो भी पोजीशन बनाना चाहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है। ये स्टॉक पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। आप डेली चार्ट पर देखिए, वीकली चार्ट पर देखिए, स्टॉक जो है काफ़ी सॉलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए ये स्टॉक लगातार वीकली चार्ट में देखिएगा तो लगातार देखिए अप ट्रेंड में है, कभी भी अपने जो स्विंग लो है, पिछला स्विंग लो, उसको कभी भी ये स्टॉक ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर वीकली चार्ट में देख लीजिए, ये स्टॉक का जो ट्रेंड लाइन है वो उसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है। ट्रेंड लाइन का जो स्लोप होता है, ये हम स्लोप मतलब एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये एंगल पहले लो था, आप देखिए ये स्टॉक और ज्यादा अब ट्रेंड हो चुका है वीकली चार्ट पे, इसका स्लोप लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है ऊपर की, और कभी भी गिरावट मिलता है तो आप इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें। वहीं स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफी बेहतरीन है। कंपनी का जो मार्केट कैप है देखिए 12000 करोड़ का है, और कंपनी का जो मतलब प्रमोटर्स का स्टेक है वो भी काफ़ी हाई है, 74% प्रमोटर्स का स्टेक है, तो मैक्सिमम 75 हो सकता है, तो अप्रॉक्स उसके इक्वल है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% का है, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 42 का है, तो ये भी काफ़ी हाई है। तो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है, डिविडेंड भी शानदार है, 0.32% का डिविडेंड है, ये भी काफ़ी शानदार है। जो स्टॉक इतना ग्रोथिंग दे रहा है, मतलब ग्रोइंग स्टॉक है, उसमें आपको इतना अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिल रहा है।
साथ ही साथ रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 624 करोड़ का है। डेट कंपनी के ऊपर 34 करोड़ का है, तो डेट जो है निगलिजिबल है, मतलब वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। वहीं कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है वो 252 करोड़ का, और प्रॉफिट में ग्रोथ देख लीजिए 60% के अप्रॉक्स है, तो प्रॉफिट में ग्रोथ भी काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है पिछले साल की तुलना में। और कंपनी अपना लगातार डेट भी कम किया है, यहाँ कंपनी के पिछले डेट का जो रिकॉर्ड है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, वो भी देख सकते हैं। कंपनी हर तरह से अपना इंप्रूवमेंट कर रही है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट और मतलब सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स कंपनी का है, देख लीजिए कंपनी का जो सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। मार्च 2009 में मात्र 197 करोड़ का सेल्स था, जो कि इंक्रीज होकर के देखिए 1000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। वहीं कंपनी का प्रॉफिट मात्र 6 करोड़ था 2009 में, और ये प्रॉफिट बढ़कर 250 करोड़ का हो चुका है, तो लगातार प्रॉफिट में जंप हुआ है, कंपनी के सेल्स में जंप हुआ है। वहीं कंपनी के बैलेंस शीट देखिएगा, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो मात्र 10 करोड़ का है, जो कि कॉन्स्टेंट है। और कंपनी जो रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व काफ़ी सॉलिड है, रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है कंपनी का, तो कंपनी का रिजर्व जो है कंपनी के पास वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है, यह देख लीजिए कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो कंपनी मतलब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जिसमें आप आंख बंद कर कभी भी गिरावट आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रमोटर्स का स्टेक दे लीजिए, इसमें लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इस स्टॉक के बारे में, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और टेक्निकल चार्ट पे ये कंपनी ब्रेकआउट देने जा रहा है, अगर ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।